मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा में क्वारंटाइन सेंटरों पर असुविधाओं के अभाव में लगातार अराजकता एवं नाराजगी की खबरें मिल रही हैं। प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय गोविंदपुर छपरा बंदरा के अलावे मुन्नी बैंगरी हत्था नुनफारा मतलूपुर बैंगरा तेपरी पटसारा सखौरा आदि क्षेत्रों में लगातार शिकायतें मिल रही है। आरोप है कि सेंटर पर जरूरत की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जितना घोषणा किया जा रहा है, जितने दावे हैं, उसकी हकीकत कहीं और है। शौचालय की स्थिति इतनी खराब है कि लोग उसके बाहर भी खड़े होने में असमर्थ हैं। गंदगी, गर्मी और बदबू से महामारी फैल सकती है। पानी की व्यवस्था नहीं है। क्वारंटाइन सेंटरों पर जो भोजन का मेन्यू है उसका फॉलो नहीं किया जा रहा है। सामान्य जीवन जीने के लिए जो रोटी चावल की जरूरत है उसके भी लाले पड़े हुए हैं। भीषण गर्मी में पंखा चालू नहीं है। आरोप है कि अधिकारियों से शिकायत के बावजूद अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। डांट डपट कर भगाया जाता है, कई बार धमकाया भी जाता है, FIR करने जैसी धमकी दी जाती है, कोई जवाब नहीं दिया जाता है, नियमित जांच चेकअप भी नहीं हो रहे हैं। मुखियों का बताना है कि अधिकारियों का आवश्यक सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उचित गाइडलाइंस नहीं मिल पा रहे हैं, नाराजगी जनप्रतिनिधियों को झेलना पड़ रहा है, CEO का रवैया ठीक नहीं है, कोई अधिकारी आम लोगों या प्रतिनिधियों की नहीं सुनते। पटसारा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष रंजीत ठाकुर ने बयान जारी किया है। उन्होंने A to Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए इस वक्त बताया है कि प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटरों के नाम पर जो व्यवस्था की गई है वह कागजी ज्यादा हकीकत कम है। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। रंजीत ठाकुर पटसारा पैक्स अध्यक्ष नवर्तमान। हमारे यहाँ जो बिहार सरकार के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था ग्राम स्तर पर किया गया उसमें बहुत ही लूट खसूट है। पदाधिकारियों द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, ना ही हर व्यक्ति की समय से जांच हो रही है। उनके खाने पीने रहन सहन की भी व्यवस्था में बहुत ही असुविधा व्यक्त किया जा रहा है। हर लोग क्वारंटाइन में रहने के लिए इसीलिए तैयार नहीं। CEO साहब आते हैं लेकिन वही टाल मटोल करके चले जाते हैं। जो ऊपर स्तर से सरकार के तरफ से जो मिल रहा है वही हम दे रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट है, जो मेनू है, उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है और उसके हिसाब से व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, और ना ही मेनू का भी यहाँ पर्दाफाश किया जाता है, किसी को बताया भी नहीं जाता है। किसी को साबुन नहीं मिल रहा है, किसी को शैम्पू नहीं मिल रहा है, किसी को तेल नहीं मिल रहा है, ना समय से सही भोजन मिल रहा है, ना रहने का व्यवस्था किया जा रहा है सही से। हर लोग एक दूसरे से दूरी बिना बनाए हुए अंदर में बातचीत करते रहते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी सही से नहीं है। बार बार अंदर से लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, जिसका वीडियो कई बार वायरल हो चुका है जी। आक्रोश अगर नहीं होता तो अंदर से जो पदाधिकारी आते हैं उनके समक्ष लोग विरोध क्यों व्यक्त करते हैं। व्यवस्था अगर होने लगे तो कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। जागरूकता तो हुई है लोगों में, हर लोग अपने को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, लेकिन सही व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग भाग रहे हैं। उधर बंदरा प्रखंड के मुन्नी बेंगरी पंचायत से खबर मिल रही है कि सकरी मन में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ मुंबई से 4 प्रवासी मजदूर पिछले 24 घंटा पहले पहुंचे थे, बावजूद यहाँ पर स्थानीय मुखिया एवं संबंधित अधिकारियों के द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं किए जाने से इनमें नाराजगी है। बताया जाता है कि मुंबई रेड जोन में है, बावजूद लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों को सूचना दी गई लेकिन आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। जब गाँव में तनाव की सूचना मिली, हत्था OP की पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया गया। तीखी नोक झोंक की घटना यहाँ पर हुई है, बावजूद अधिकारी कोई कारगर कदम उठाने में समर्थ नहीं दिखे, लिहाजा बात वहीं का वहीं स्थिर रह गया और आवश्यक कार्रवाई नहीं होने से गांव वालों में लगातार खौफ बढ़ता जा रहा है। बताया जाता है कि जो 4 प्रवासी मजदूर यहां पर आए हैं उनके लिए अब तक उचित प्रबंधन नहीं किया गया है। अधिकारी जनप्रतिनिधि पर दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधि अधिकारी पर दोषारोपण कर रहे हैं। बात चाहे जिसके भी स्तर की हो, व्यवस्था के अभाव में यहाँ पर क्वारंटाइन किए गए लोगों के साथ ही ग्रामीणों में भी नाराजगी है, विवाद बढ़ रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज बड़ा बयान दिया है। इन्होंने आज बिहार की सरकार एवं केंद्र की सरकार पर धावा बोला, अपने वक्तव्य की धीरे से शुरुआत की और अंत होते होते काफी आक्रोश में आ गए। A to Z न्यूज लाइव ने आज इनसे बातचीत की थी, देखिए कि इन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया है। काफी गंभीर बातों को सहज लहजे में कहा, शुरुआत जैसे ही नॉर्मल अंदाज से की लेकिन अंत होते ही इनके शब्दों में तीखापन आ गया। बेबसी है, बेचारगी है, लेकिन कई सवाल भी इनके जुबान से निकले। जय हो,
दो लॉकडाउन में तो महादेव बाबा दिखे और तीसरे चौथे से गायब हो गए। अब तो तैयारी हो गई, हमने तो राज्यों के हिस्से में छोड़ दिया था निर्णय लेने का। मैं क्या करता, चीन से भी आगे 1,00,000 ज्यादा है और ये होना था पहले ही। मोदी जी भक्त और नेता भक्त लोग सब कुछ तय कर लेते हैं कि 16 तारीख को शून्य हो जाएगा कोरोना वायरस, जादू की छड़ी चलेगी। ये मजदूरों की आह किसी को नहीं छोड़ेगा जनाब, ये जो गरीबों की भूख होती है ना, ये जो मां के आंसू होते हैं ना, बच्चों की चीख, ये जो किसानों के दर्द होते हैं और युवाओं की करा, ये आंसू दूर दूर तक जाता है नीतीश बाबू। चारों तरफ लाठियां, ये जो भक्त है ना आपके, ये अभी भी जूता को ट्रॉल करा रहे हैं। बकस दीजिए अब राजनीति करना हिंदू मुसलमान और सत्ता की, और बंद करिए राजनीति की दुकान। मजदूरों के सवाल पर जंग की शुरुआत होगी, अब जंग लड़ेंगे जंग। पहले भी देश भर के मजदूरों के साथ हम बैठे थे, कल भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे हम यहां बड़े तादाद में पूरे बिहार और देश में। मजदूर अकेला नहीं है, आपने मान लिया है कोरोना वायरस एक्ट लॉकडाउन के नाम पर मजदूरों की आवाज को लाठी बूट गोली के आतंक से, नेताओं के खौफ से दबा देना है। नेता लोगों ने पब्लिक को समझा दिया कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंस, ये सोशल डिस्टेंस कानून के नाम पर कब तक डराओगे। दिल्ली को देखो, लाखों करोड़ों देखो गाजियाबाद में, अब मजदूरों की क्रांति को नहीं रोक पाओगे, लाखों गोली तुम्हारी नहीं रोक पाएगी, किसी मजदूरों को मां से और बच्चों से मिलने के लिए नहीं रोक पाओगे। भूखे प्यासे जो मरने की तैयारी कर ले, उसकी आग बड़े बड़े क्रूरतम शासक को मिटा देता है नीतीश कुमार। ये चोर चोर मोसेरा भाई, लाठी चलाना बंद करिए। मैं तैयार हूं दिल्ली के मजदूरों को भेजने को, एक एक डेली लगातार यहां 25-25 बस बिहार जा रहे हैं। आप क्वारंटाइन के नाम पर अब तंग करना बंद करिए, जांच की प्रक्रिया बढ़ाइए। जो मजदूर जा रहे हैं उन थाने में पता करके उनकी जांच बढ़ाइए, जो पॉजिटिव है उसको बंद, उसकी इलाज करिए। क्वारंटाइन के नाम पर लूटना और तंग करना बंद करिए, ये दोनों लूट भी तंग भी। सिग्नल पर ट्रेन खड़े होकर के सारे मजदूर घर चले जा रहे हैं और आप तंग कर रहे हो, और एक तरफ महादेव का प्रवचन और एक तरफ आपका प्रवचन। इंतजार करिए, 57 साल भूख के बाद भी, बिना बिजली पानी के बाद भी, ठेकेदार के कोरा के बाद भी गाली ही क्यों, इस तरह की व्यवहार क्यों? किसको भेज रहे? जी को भी भेज देते। मैं तो जानना चाहता हूं, ये नहीं चलेगा।
इसलिए सवाल है ये इमरजेंसी सोशल डिस्टेंस और कोरोना वायरस के नाम पर आम लोगों पर दमन और शोषण बंद करिए। कोरोना वायरस के नाम पर इस हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले मजदूरों पर जुल्म करना, आतंक करना बंद करिए। आप लोग आतंकवादी हो गए हैं, उसको भी टप गए। आप लोग सूदखोरों के दलाल हैं। इसीलिए आप लोगों से अब कंप्रोमाइज नहीं होगा। फिर कल लाखों मजदूर बैठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आवाज देंगे। लड़ाई हर पार की होगी। जब तक मजदूर घर नहीं पहुंचेगा, मजदूर के हिस्से का पैसा उसके अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, मजदूर के खाने उसके घर नहीं पहुंचेंगे, तब तक चैन से हम नहीं बैठेंगे।